छत्तीसगढ़ के बस्तर के बेटे डॉक्टर मनीष ने रायपुर मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई पूर्ण के बाद वापस बस्तर लौटकर स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज में जीएमसी में कंसल्टेंट एमडी रेडियो डायग्नोसिस की सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर मनीष मेश्राम ने बस्तर अंचल के लोगों को सौगात दी है। बस्तर संभाग क्षेत्र के लोगों के लिए एंजियोग्राफी अब मुफ्त में ही होगी। इसकी जाँच के लिए लोगों को जगदलपुर से रायपुर या फिर विशाखापट्टनम जाना पड़ता था। अब बस्तर के लोग जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में ही एंजियोग्राफी मुफ्त सेवा ले सकते हैं। डॉक्टर मनीष कहते हैं कि अब तक इस तरह की बीमारी से पीड़ित लोग को कम से कम 300 किलोमीटर का सफर इलाज मिलने से पहले तय करना पड़ता था। मेकाज में उपलब्ध सिटी स्कैन मशीन से ही उन्होंने यह परीक्षण कर लिया है। साथ ही स्टाफ के साथ पहली बार इसे करने में थोड़ा अधिक वक्त लगा, लेकिन सबके अभ्यस्त होते ही यह पूरी प्रक्रिया 20 मिनट की रह जाएगी। डॉक्टर मेश्राम ने एक महीने पहले ही मेकाज में ज्वाइनिंग दी है। इससे पहले यह सुविधा बस्तर वासियों के लिए नहीं थी और इस एंजियोग्राफी कराने बस्तर के लोगों को या तो रायपुर जाना पड़ता था या फिर विशाखापट्टनम, और इसकी जांच के लिए लोगों को 8 से 10 हजार रुपए लगा करते थे। लेकिन अब बस्तर के स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में एंजियोग्राफी की मुफ्त सेवा मिलेगी। मैंने अपनी डिग्री अम्बेडकर हॉस्पिटल रायपुर से की हुई है और एक महीने हुए हैं मुझे यहाँ पर ज्वाइन किए हुए, और अभी के वक्त में जो सिटी स्कैन की विभिन्न जो जाँच होती है उनमें से हमने एक नई प्रकार की जाँच की है जिसे हम सिटी एंजियोग्राफी कहते हैं, जिससे हम जो शरीर की जो नसें होती है नसों के अंदर की संबंधित किसी बीमारियों को देख करके पता लगा सकते हैं, जैसे कि किसी प्रकार के अंदरूनी रक्त के थक्के जमे हो या ट्यूमर हो या किसी प्रकार का अवरोध हो। इससे पता लगाने से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जिस अंग में रक्त का प्रवाह होना था उस जगह पर किस प्रकार की त्रुटियाँ आई हैं या किस प्रकार की बीमारी थी। और ये बस्तर वासियों के लिए, इस ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस प्रकार की जांच, जो कि इसके पूर्व में यहाँ तो नहीं हो पा रही थी, और इसके लिए लोगों को 300 किलोमीटर दूर तक लगभग रायपुर या फिर कहीं हैदराबाद या विशाखापट्टनम जाना पड़ता था, वो अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। और जल्द से जल्द इस प्रकार की बीमारी का पता लगा करके दिमाग के बड़े हिस्से को दवाइयों के द्वारा एक या अन्य विकल्प के द्वारा हम बचा सकते हैं, जो कि मरीज के लिए बहुत फायदेमंद है। TCP24 न्यूज़ के लिए जगदलपुर से आनंद झा की रिपोर्ट।